हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि बैक साइड के लिए नेक डिजाइन की कटिंग हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे बैक साइड की कटिंग कर ली है और जो हमें गले का शेप चाहिए वो हमने यहाँ पे कट कर दिया है कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे हमें पैच की कटिंग करनी है और पैच कटिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे ब्लाउज पीस के बॉर्डर के। उसके पहले हमें ये जो शेप है उसी के हिसाब से 3 या 4 इंच तक का पैच हमें ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे हम 3 इंच से मार्किंग कर देते हैं। और यहाँ से वैसा ही शेप बना देते हैं। दोनों साइड पे हमने इस तरह से मार्किंग कर दी है। अब हम यहाँ पर जो अस्तर लगाना है उसके लिए ये कपड़ा लेते हैं और यहाँ पे उसे 3 इंच का मार्क भी बना देते हैं कुछ इस तरह से। सबसे पहले तो अंदर की जो मार्किंग है वो हम कर देंगे। अब इसको हम हटा देते हैं और सिर्फ ये वाला शेप कट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमें लगभग 3 इंच का पैच बनाना है, तो हम यहाँ से 3 इंच पर मार्किंग कर देते हैं, 3 और थोड़ा सा ज्यादा यानी कि 3.25 इंच पर मार्किंग कर देते हैं। इसको भी हम मार्क कर देते हैं सभी मार्किंग जोड़कर इस तरह से। अब इसी के हिसाब से हम इसको कट कर देते हैं कुछ इस तरह से। पहले तो हमने अस्तर का शेप कट कर दिया है और उसी के हिसाब से हम बॉर्डर भी कट कर देते हैं जिसका हमें पैच लगाना है, वह कुछ इस तरह से होगा। अब ये जो बॉर्डर है इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करने वाले हैं कुछ इस तरह से। और दूसरी वाली बॉर्डर आएगी इस साइड से। इसका इस्तेमाल कुछ इस तरह से होगा। ये हो गए दोनों साइड्स। अब हमें बीच का पैच कट करना है। उसके लिए सबसे पहले हमें देखना है कि ब्लाउज का जो गला है वो कितना है। यहाँ पे शोल्डर है तो शोल्डर की हम मार्किंग कर देते हैं ताकि हम आसानी से ब्लाउज के गले का मेजरमेंट ले सकें। गले की हाइट है 11 इंच, तो पहले तो मैं ये हटा देती हूँ ताकि मार्किंग अच्छे से दिख जाए। गले की हाइट है 11 इंच और इसी के हिसाब से हमें पैच बनाना है। तो अब हम जो बीच में पैच बनाने वाले हैं उसका जो पैच है वो कुछ इस तरह से होगा। तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह से मार्किंग करके पैच बनाना है। इसके लिए यहाँ पे हम बड़ा वाला स्क्वायर का जो कपड़ा है उसका इस्तेमाल करेंगे। कुछ इस तरह से हमने एक स्क्वायर बना दिया है जो
इस तरह से हमने फोल्ड किया है। अब यहाँ पे हमने गले की मार्किंग भी कर ली है और यहाँ से हमें देखना है कि हमने गले की तरफ से कितना नाप लिया था, गले की चौड़ाई कितनी छोड़ी थी। तो यहाँ पे 2 इंच का हम मार्क कर देते हैं। ऊपर की तरफ से हमें 10 इंच का नाप लेना है इस तरह से, और यहाँ पर इस पैच को रखकर उसे गले का 11.5 जो इंच गला है वहां तक को कुछ इस तरह से शेप दे देना है इस तरह से। अब हम देखेंगे कि नीचे की तरफ से यहाँ से ब्लाउज की स्ट्रेट लाइन आएगी कुछ इस तरह से, और यहाँ से हमें 1/2 इंच ऊपर की तरफ से शेप देना है इस तरह से, हल्का सा थोड़ा सा नीचे से मोड़कर ऊपर की तरफ हमें ये लाइन ले जानी है, और इसी हिसाब से ये कट भी हो गया है। तो अब हम इसको कट कर देते हैं। साथ ही साथ नीचे की तरफ से भी हम कट कर देंगे। कट करते समय थोड़ा सा हमें 1/2 इंच बाहर की तरफ से कट करना है ताकि सिलाई करने के बाद वो परफेक्ट आ जाए। देखते हैं अब कि कटिंग कैसी हुई है कुछ इस तरह से। अब इसके हिसाब से हमें ये वाला कलर का पैच भी बनाना है जो हम आसानी से इस तरह से कट कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ हम येलो पार्ट ही कट करने वाले हैं। सिर्फ स्क्वायर कट कर देते हैं सिलाई करते समय हम। कुछ इस तरह से ज्यादा हमने इसलिए छोड़ा है कि अगर कम ज्यादा हो गया तो हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। पैच तो हमने यहाँ पे कट कर दिया है और कुछ इस तरह से वो पैच दिखेगा, और इसका इस्तेमाल हम इस तरह से करेंगे। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने देखा कि हम पैच वर्क के लिए और पैच की कटिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि सभी नए नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।